सीधा चंडीगढ़ लिए चलते हैं अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिद्ध होते हैं एक नहीं, ये जो AAP पार्टी है इसके ही फाउंडर मेंबर्स ने कहा है, किसी और ने नहीं, इनके ही साथियों ने जो चुनाव प्रचार में थे, एक ने नहीं कईयों ने कहा है। और इस पर भी जवाब देने की बजाय ये लोग कोर्ट जाने की बात करते हैं, कोर्ट जाने की बात करते हैं। अरे जवाब दो ना राजनीतिक, सच्चाई बताओ देश को, क्योंकि अरविंद एंटी पंजाब है, ये कभी इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब यही है कि इनके मन में सपना तब भी था, इनके मन में सपना आज भी है, लेकिन ये सपना कभी सच नहीं होगा। आपने 2017 में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली खालिस्तानी के घर पर रुके थे और अभी दोबारा इलाहाबाद की बात आ रही है। सिर्फ और जस्टिस द्वारा एक लेटर जो भेजा गया है उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात कही है और उसमें ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है जो हम चाहते हैं वो जरूर होगा। इसको किस तरह देखते हैं? ये देश के सामने कौन किसको समर्थन करता है, समर्थन लेने वाले का मंसूबे क्या है, समर्थन देने वाले के मंसूबे क्या है, और उसमें पंजाब का हित नहीं, पंजाबियत का हित नहीं, पंजाबी का हित नहीं, ये सब बातें अगर हैं और उन लोगों को समर्थन है जिन्होंने दिल्ली सरकार में रहते हुए भी पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत, इनके हितों का ध्यान नहीं रखा। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जहां अरविंद केजरीवाल पर बेहद गंभीर सवाल उठाते हुए अनुराग ठाकुर बीजेपी आपको नजर आ रही है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता, कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।